मातृत्व का सुख या हैप्पी मदर इज द ड्रीम ऑफ एवरी वुमन, और हर कोई महिला जो है इस ड्रीम को या इस सुख को पाना चाहती है। परंतु यदि किन्हीं कारणों से इस सुख को पाने से वंचित रह जाती है या बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हेल्दी प्रेगनेंसी को पाने में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो किस तरह से आयुर्वेद के साथ या आयुर्वेद को अपनाकर इस सुख को आसानी से पा सकती है, ना केवल एक हेल्दी प्रेगनेंसी बल्कि एक संस्कारवान और एक स्वस्थ बच्चा जो है वो आयुर्वेद के साथ अपनाकर पा सकते हैं, कैसे, आइए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट, आयुर्वेदाचार्य एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। तो हेल्दी प्रेगनेंसी या कंसीविंग अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके बहुत सारे कारण जो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और कारण जो कि प्रेगनेंसी को अचीव करने में या कंसीव होने में जो है दिक्कत देता है, या जिसके कारण जो है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस जो है ये भी आजकल जैसे PCOD बहुत राइज पर हो गया है, वैसे ही एंडोमेट्रियोसिस भी जो है वो बहुत राइज पर है। कारण जो है इसके हमारा लाइफस्टाइल, या फिर हमारी दिनचर्या, या फिर हमारा जो आहार विहार है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहता है। कई बार हमने देखा है कि हम अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि बहुत देर तक हम अपने नेचुरल अर्जेस को भी कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो भी एक मुख्य कारण है एंडोमेट्रियोसिस का। आयुर्वेद के साथ अगर हम लेकर चलें तो एंडोमेट्रियोसिस को हम उदावरता या वात की योनि व्यापक से लेकर चलते हैं। मीन्स कि जब बॉडी में वात बढ़ जाता है, या वात जो है एयर जो है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी मूवमेंट इन आवर बॉडी, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका यदि एक फ्लो जो बन रहा है वो नहीं हो पाता है, तो जो है ये बीमारी डेवलप होती है विच इज एंडोमेट्रियोसिस। एवरी मंथ जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो, उसमें हमारी जो इनर लेयर है विच इज द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो शेड होती है। बट एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो इनर लाइनिंग है वो खाली यूट्रस के अंदर ही ना बनके और भी डिफरेंट प्लेसेस में बनना शुरू हो जाती है, और जब वो डिफरेंट प्लेसेस में बनती है तो शेडिंग के समय, जिस समय हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है और वो लेयर शेड हो रही है, तो जब उसको पैसेज या बाहर निकलने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता है तो वो पेन करता है। दैट्स व्हाई एंडोमेट्रियोसिस इज वेरी पेनफुल, एज वेल एज हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन अचीविंग हेल्दी प्रेगनेंसी। तो क्या वो मेथड्स हैं जिनको अपनाकर आयुर्वेद के थ्रू इस डिजीज से भी छुटकारा पा सकते हैं और कंसीव होने में भी जो है वो हेल्प कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले तो हमें अपने आहार विहार को सही करना है, हेल्दी आहार को अपने डाइट में फॉलो करना है, जिसमें तली भुनी चीजें उनको कम करना है, स्पाइसी मील्स को कम करना है, लाइट नरिशिंग एंड न्यूट्रिशियस चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इसके अलावा जो हमारे नेचुरल अर्जेस हैं उनको कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप उसके लिए चाहे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम निकालिए, बट ऑलवेज ट्राई टू उनको क्लियर करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो हमारे कुछ मेडिसिंस हैं जो इस प्रोसेस को जो है वो हेल्थ की तरफ लेकर जाती है, वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अपने पंचकर्मा टेक्निक्स जिसमें वमन है, बस्ती है, या विरेचन जो है इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बिकॉज ये अंदर से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करके उनको बाहर निकाल देता है। एंड ऑफ कोर्स उत्तर बस्ती, जो कि वन ऑफ द ब्लेसिंग्स टू क्योर ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव मैनर। तो ये सब कुछ सिंपल आयुर्वेदिक मेथड्स हैं जिनको यूज करके जो है आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। तो अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज। थैंक यू।